अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज हम डिस्कशन करेंगे कंपोनेंट्स इन लारावेल के ऊपर। जो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे उनमें है कि व्हाट इज कंपोनेंट्स इन लारावेल एंड हाउ टू क्रिएट द कंपोनेंट्स, रेंडरिंग कंपोनेंट्स एंड पासिंग डेटा टू द कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लारावेल कंपोनेंट। कंपोनेंट्स आर द रीयूजेबल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आप कोई चीज़ अपने किसी पेज के ऊपर लिखते हैं और उस चीज़ को आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर रिपीट करना चाहते हैं, लाइक कि आपका हेडर है या आपका फुटर है, तो फिर हम लारावेल के कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे भी है कि अगर आपके पास एक नेविगेशन बार है और आपने उस नेविगेशन बार को अपनी वेबसाइट के तमाम पेजेस के ऊपर यूज़ करना है, तो फिर हम इस नेविगेशन बार को एज ए कंपोनेंट बिल्ड करेंगे और फिर इसको रीयूज करेंगे जहाँ जहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम इस कंपोनेंट को यूज़ नहीं करना चाहते तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन फ़ायदा ये है कि जब कभी आपको उस नेविगेशन के अंदर कोई चेंज करना पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट के अंदर एक जगह पर चेंज करना होगी। वो कंपोनेंट जहाँ जहाँ यूज़ हुआ होगा वहां वहां उस कंपोनेंट की चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक कि हाउ वी कैन क्रिएट लारावेल कंपोनेंट्स। तो लारावेल के कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस है, एक उसकी क्लास बेस्ड अप्रोच है और दूसरी एक एज एन एनोनिमस कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए हमें आर्टिजन कमांड को यूज करना है, दैट इज मेक कंपोनेंट। और फिर उस कमांड को यूज करते हुए हम देखेंगे कि हम किस तरीके से लारावेल का कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्ट्रेट अवे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और अपना पहला लारावेल कंपोनेंट जो है उसको क्रिएट करके देखते हैं और फिर उसको यूज करके भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम कमांड यूज करेंगे php artisan make component। स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, कंपोनेंट, और उसके बाद हम अपने फॉर एग्जांपल हम अपने इस कंपोनेंट का नाम रखते हैं हेडर। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। याद रखिएगा कि जब हम अपने कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को, तो हमें उसको अलग से रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाते हैं। लिहाजा जो कमांड हमने यूज़ की है इस कमांड के जरिए हमारा कंपोनेंट क्रिएट भी हो गया है और रजिस्टर भी हो गया। हाउएवर इन सम केसेस जहाँ पे हम कुछ पैकेजेस वगैरह को जनरेट कर रहे होंगे वहाँ पर हमें कंपोनेंट को मैनुअली रजिस्टर करना पड़ता है। तो अभी जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है इस कंपोनेंट के नतीजे में हमारे पास दो फाइल्स जो हैं वो क्रिएट हुई होंगी, एक इसकी HTML फाइल है और दूसरी इसकी PHP फाइल है। तो हम देखते हैं कि ये क्रिएट कहाँ हुई है। अगर हम इसके ऐप के फोल्डर के अंदर आ जाएं, तो ऐप के फोल्डर के अंदर आपको नज़र आ रहा है ये व्यू, व्यू के अंदर कंपोनेंट्स और कंपोनेंट के अंदर ये header.php। तो ये जो फाइल अभी आपके सामने खुली है ये इसकी PHP फाइल है। इसी तरीके से इसके साथ एक और फाइल एग्जिस्ट करती है जो कि आपको रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के फोल्डर में अंडर द कंपोनेंट हेडर मिलेगी, वो है कंपोनेंट के अंदर header.blade.php। इस फाइल को अगर हम देखें तो ये एक ब्लैंक फाइल है, तो ये एक्चुअली आपकी HTML फाइल है। तो हमने बुनियादी तौर पर दो फाइल्स यहाँ पर क्रिएट हुई, एक आपकी HTML फाइल और दूसरी आपकी PHP फाइल, और जो दोनों फाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो भी गई हैं। सो अब देखते हैं कि हमने किसी भी कंपोनेंट को रेंडर किस तरीके से करना है। रेंडरिंग करने के लिए हमारे पास ब्लेड कंपोनेंट टैग अवेलेबल है और उस ब्लेड कंपोनेंट टैग को यूज करते हुए हम इस कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। रेंडरिंग कहाँ पे होगी, हमारा जो ब्लेड टेम्पलेट है यानी हमारी जो HTML फाइल जो हमने व्यूज के अंदर क्रिएट की हुई है उसके अंदर बुनियादी तौर पे हमने इन कंपोनेंट्स को कॉल करना है। ब्लेड कंपोनेंट्स की जो टैग्स है वो स्टार्ट होता है एक्स के साथ और फॉलोड करता है वो एक आपके
कंपोनेंट के नाम को। अच्छा, यहाँ पर एक नेमिंग कन्वेंशन भी है, और नेमिंग कन्वेंशन ये है कि जब हम कंपोनेंट्स के नाम को जहाँ पे हम रेफर कर रहे होते हैं एचटीएमएल फाइल के अंदर, वहाँ पे हम किबैब केसेस को यूज करते हैं, और जब हम उन्हीं कंपोनेंट के अगर हम डेटा की बात करेंगे और उस डेटा को जब हम किसी क्लास के अंदर उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर उन एलिमेंट्स को यूज कर रहे होंगे, तो हम जो नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं दैट इज कैमोनोटेशन। तो ये लारावेल की रिकमेंडेड नेमिंग कन्वेंशन है। हाउएवर, अगर आप इसको फॉलो नहीं भी करते तो आपके प्रोग्राम के ऊपर, आपके एप्लीकेशन के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अब हमने अभी जो अपना कंपोनेंट क्रिएट किया है, हम इस कंपोनेंट को अपने एक ब्लेड टेम्पलेट के अंदर कॉल करते हैं। ब्लेड टेम्पलेट के अंदर कॉल करना है तो मुझे पहले उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम इस ही फाइल के अंदर एक चेंज करते हैं, ताकि जो भी हम एप्लीकेशन के अंदर अपना भी व्यू क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम इस हेडर को यानी कंपोनेंट को कॉल करेंगे, तो उसकी आउटपुट हमें नजर आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग का टैग लगा देता हूँ और जस्ट मैं कहता हूँ वेलकम फ्रॉम द हेडर कंपोनेंट। सो दिस इज जस्ट अ वेलकम मैसेज जो कि मैंने आपके हेडर की ब्लेड टेम्पलेट जो कि मेरा HTML फाइल है उसके अंदर लिखा है। ये फाइल एक्चुअली मैंने कॉल करनी है अपने ब्लेड टेम्पलेट यानी अपने व्यू के अंदर। तो हम एक व्यू क्रिएट करने लगे हैं और इस व्यू का नाम मैं रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल द व्यू नेम इज टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो सिर्फ इसको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका नाम मैंने टेस्ट दिया है। और के आप इस टेम्पलेट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ कोड अपना ऐड करते हैं और उसका नाम हम रखते हैं लाइक से इंट्रोडक्शन इन टेस्ट प्लेट टेम्पलेट, और इसी तरीके से हम इसके अंदर कुछ टेस्ट लिख देते हैं, दिस इज दैट वी कॉल अ कंपोनेंट। इसको मैंने सेव किया। अच्छा, अब आपको याद है मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर ये भी बताया कि जब भी हम कोई व्यू लिखेंगे यानी और जब भी हम कोई कंट्रोल लिखेंगे तो उसके लिए हमें राउट डिफाइन करना पड़ता है। तो सिमिलरली हम इसका राउट भी डिफाइन करते हैं। राउट्स के फोल्डर में आप web.php में जाएंगे और इसका आप राउट डिफाइन करेंगे, राउट कॉलन कॉलन, मैंने व्यू को कॉल करना है। सो जिसका फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो होगी एक URL, तो मैंने उस URL का नाम टेस्ट ही रख दिया। एंड द सेकंड इज द नेम ऑफ द ब्लेड टेम्पलेट और द नेम ऑफ द व्यू। इसको हमने सेव किया और हम अब हमने ब्राउजर के अंदर आते हैं और इसको कॉल करके देखते हैं कि हमारा ब्राउजर हमें क्या रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर पहले से ही मेरी एक जो फाइल है वो ओपन है जो कि लारावेल की वेलकम स्क्रीन है। इसी के अंदर अब मैं ओपन करता हूँ अपना जो रिसेंटली क्रिएटेड व्यू है उसको। तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं अपना पाथ दैट इज टेस्ट और इसको एंटर किया। सो आपने देखा है कि अभी जो कंटेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं वो मेरे व्यू के हैं जो मेरे अभी अपना टेम्पलेट क्रिएट किया है। हमने इसके ऊपर अपना कंपोनेंट कॉल करना है। तो कंपोनेंट कॉल करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो चीज यूज होती है वो ये है कि आप अपने उस टेम्पलेट में टॉप पर आएंगे और यहाँ पर आप यूज करेंगे एक्स माइनस आपके कंपोनेंट का नाम और फिर ये सेल्फ क्लोजर यहाँ पे इसी का क्लोजर भी हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लेड कंपोनेंट टैग है जो कि आपके कंपोनेंट को कॉल करता है। इसको हम करते हैं यहाँ पर सेव और उसके बाद फाइल के बाद सेव करने पे बार बार इसलिए जोर देता हूँ कि समटाइम आप सेव करना भूल जाते हैं और फिर जब आप जाके अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो आपको आउटपुट नहीं मिलती और आप एक पैनिक सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं। लिहाजा जब भी कोई चेंज करें मेक इट अ प्रैक्टिस कि आपने उसको सेव करना है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस ताकि आप किसी भी किस्म के प्रॉब्लम से बच सकें।
अब मैं इसको दोबारा से ब्राउजर में जाता हूं और इसको जब मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखें कि मेरे ऊपर ये जो वेलकम फ्रॉम हेडर कंपोनेंट नजर आ रहा है, ये एक्चुअली आपका कंपोनेंट है जो अभी हमने क्रिएट किया था और उस कंपोनेंट को हमने ब्लेड टेम्पलेट जो ब्लेड कंपोनेंट टैग है उसके थ्रू हमने इसको कॉल कर लिया। सो अगली चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि अब हम इस कंपोनेंट को डेटा किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो अगेन हम अपने कोड में वापस जाते हैं और अब हमें जो चेंजेस करना पड़ेंगी वो एक्चुअली इसकी जो कंपोनेंट की जो पीएचपी फाइल है में प्राइमरीली हमें उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो हम header.php की फाइल में गए और यहाँ पे आके हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है। जो डेटा जो है जो कि हम पास कर सकते हैं ब्लेड कंपोनेंट को, वो हम HTML के एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए भी पास कर सकते हैं, हम हार्ड कोडेड परिमिटिव वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं और इसके लिए हम सिंपल HTML एट्रीब्यूट्स यानी स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं, हम PHP एक्सप्रेशंस और वेरिएबल्स को भी पास कर सकते हैं कंपोनेंट को और उसके लिए फिर हम हमें एक कॉलन का टैग लगाना पड़ेगा। पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो HTML एट्रीब्यूट स्ट्रिंग है उसको यूज करते हुए डेटा पास करके दिखाऊंगा। फिर आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से PHP की एक्सप्रेशंस या दूसरे वेरिएबल्स को हम पास कर सकते हैं। तो जो चीज हमें जरूरत है वो ये है कि कंपोनेंट जो के रिक्वायर्ड होंगे जो कि हमने पास करने हैं उनको हमें उसकी कंस्ट्रक्टर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर उसको डिफाइन करना जरूरी है। और जितने भी किसी भी कंपोनेंट की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंपोनेंट के व्यू को ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाती हैं, लिहाजा किसी कंपोनेंट को हमें अलग से पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जो कुछ भी हम डिक्लेयर करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। सो करना क्या है कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कुछ इनिशियलाइजेशन करनी है। तो मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ and for example the property name is title और इसको initialize करते हैं blank के साथ और इस constructor के अंदर हम इसी चीज को use कर रहे हैं। okay, ये name जो है ये मुख्तलिफ भी हो सकता है क्योंकि ये तो parametric value है तो ये मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मैंने values को same इसलिए रखा है ताकि हमें किसी किस्म का कोई confusion ना रहे। और ये अच्छी practice है कि अगर हम किसी भी constructor को या किसी भी method को use कर रहे हों तो जो पैरामीटर्स हम रिसीव करते हैं उनके नाम और जिनको वैल्यू साइन होने इनके नाम अगर सेम होंगे तो कोई हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा एट द टाइम ऑफ असाइनिंग द वैल्यूज। सो ये बातें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्सेज के अंदर भी डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने दिस का जो कीवर्ड है वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और दिस डॉट टाइटल और इज इक्वल्स टू टाइटल। सो नेमिंग कन्वेंशन सेम थी तो दिस की वजह से हमने इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर दिया। सो यहाँ पर हमने टाइटल को इज इक्वल कर दिया टाइटल के, और एक्चुअली यहाँ पर जब हमारा ये कंपोनेंट ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होगा तो टाइटल इनिशियलाइज हो जाएगा उस वैल्यू के साथ जो कि इसको व्यू से भेजी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमें मजीद कहाँ कहाँ पर चेंजेस करना है। तो एक चेंज तो मैंने आपको दिखा दी कि एक चेंज हमें इस कंपोनेंट की PHP फाइल के अंदर करनी है और जो दूसरी चेंजेस हमें करनी है वो चेंजेस हमें करना पड़ेंगी जाके अपने एक तो जो हमारा व्यू है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल के यहाँ पर मैं कहता हूँ टाइटल इज इक्वल टू और मैंने इसको कोई वैल्यू पास कर दी मेन पेज फॉर एग्जांपल, और ये जब व्यू यानी ये वाला पेज जब चलेगा तो इसका ये हेडर कॉल होगा तो उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे उसके कंस्ट्रक्टर को जो वैल्यू पास होगी दैट इज टाइटल, और फिर हम जब उसके टेम्पलेट को कॉल कर लेंगे तो उस टेम्पलेट के अंदर हम इस वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं और उसके लिए फिर हम यहाँ पर लिखते हैं डॉलर टाइटल और इसको मैंने कर दिया सेव। सो ये जो कर्ली ब्रेसेस डबल यूज किए हैं ये एक्चुअली अगेन जो लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट है उसकी एक फैसिलिटी है दैट अलाउज यू कि आप
प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में अपने पीएचपी के कोड को लिख सकते हैं और वो ब्लेड टेम्पलेट इस कोड को कन्वर्ट कर देगा पीएचपी कोड के अंदर। यूजुअली जब हमने पीएचपी के किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना होता है इन पर्टिकुलरली इन कोड पीएचपी, तो हम एको की स्टेटमेंट को यूज करते हैं। लेकिन जब हम लारावेल में आते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं, तो फिर हमें वो एको की स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीज हम इस कर्ली ब्रेसेस डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हो जाएगी। तो अब हमने एक काम कर लिया, मैं आपको एक बार जरा इसका काम बता दूं कि हमने अपने राउट से व्यू को कॉल किया। व्यू जब कॉल होगा आपका, तो इस व्यू के अंदर हमने एक लारावेल का कंपोनेंट जो है उसको कॉल किया हुआ है। लारावेल का जो कंपोनेंट है उसको जब हम कॉल कर रहे हैं, तो उसके साथ ही हमने उसको एक वैल्यू भी पास की हुई है। तो इसका जो ये पीएचपी के कोड के अंदर यहाँ पर जिसकी क्लास है हेडर की, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ये वैल्यू यहाँ से पास होती है। ये इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस होता है और फिर ये वैल्यू हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी यहाँ पे रिसीव करता है और इसको डिस्प्ले कर देता है। अब हम चलाते हैं अपना ब्राउजर और देखते हैं कि हमें जो आउटपुट मिलती है वो क्या मिलती है। सो हम सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश किया तो जो वैल्यू जो पास हुई थी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने किस तरीके से कंपोनेंट को डेटा पास करना है। कंपोनेंट के ऊपर मजीद डिस्कशन भी करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कंपोनेंट को किस तरीके से पी वाली वैल्यूज या एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। सो दोस्तों आपने स्टूडेंट ये देखा है कि मैंने आपको आज ये बताया कि किस तरीके से कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट को किस तरीके से हम रेंडर करते हैं और उसको किस तरीके से डेटा पास करते हैं। तो मैंने आपसे ये भी बात की है कि हम डेटा बहुत ही तरीकों से पास कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पीएचपी एक्सप्रेशंस या वेरिएबल्स जो है वो हम लारावेल कंपोनेंट को पास करते हैं वाया एट्रीब्यूट्स दैट यूजेस द कॉलन करेक्टर एज ए प्रीफिक्स। तो ये हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको इस एंगल की में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने इसको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड रखते हुए मैंने कोशिश की है कि आपको कंपोनेंट्स के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। So again, thank you very much for watching the video and understanding the concept. So see you in the next video. Till then, bye-bye.